So hey guys, welcome back to the new vlog. This vlog is going to be the 8 hour study challenge vlog. इस vlog में मैं करने वाला हूँ 8 hour self study challenge. वो भी timer के साथ, timer साथ में चलता रहेगा and मैं study करता रहूँगा. And आप चाहो तो आप भी मेरे साथ ये 8 hour study challenge कर सकते हो. आपको बस अपने साथ एक timer रखना है, साथ में आपको time lapse पर video record करनी है and मुझको send कर देंगे telegram पर. तो telegram का link आपको description में मिल जाएगा, साथ में instagram का भी मिल जाएगा, follow कर लेना. चलो अब इस ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं. लेट्स मेक आवर टू डू लिस्ट. माई डे विथ मैथ्स एंड इसमें मैं कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर. सारे एन सी आर टी क्वेश्चन करूँगा एंड एग्जाम्पल्स करूँगा. एंड मुझे लग रहा है दिस चैलेंज इज गोइंग टू बी टफ, क्योंकि अभी टाइम 12 PM हो रहा है, मतलब 12 o'clock हो रहा है, तो पता नहीं कब तक ये चैलेंज एंड हो पाए. तो चलो जल्दी से आप क्वेश्चन कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी पूरा चैप्टर एनसीईआरटी कर लिया है विद एग्जांपल्स एंड इसने मेरे लगभग 1 hour and 15 minutes लिए हैं. एंड अगर ढंग से कैलकुलेट करें तो 1 hour ही लिया है, तो 8 hour में से 1 hour माइनस कर दो, 7 hour अभी मुझे स्टडी करनी है. तो चलो अब जल्दी से स्टडी को कंटिन्यू करते हैं. एंड अब मैं पढ़ने वाला हूँ साइंस, क्योंकि साइंस में मुझे पढ़ना है मेटल एंड नॉन मेटल्स. एनसीईआरटी रीड करनी है, फिर क्वेश्चन वगैरह करना है. तो अब जल्दी से साइंस रीड कर लेते हैं एंड अपना टाइमर भी स्टार्ट करते हैं. तो यार आप लोग मुझसे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कि बेस्ट सैम्पल पेपर कौन से हैं. तो यार आई वुड सजेस्ट यू PW CBSE सैम्पल पेपर्स फॉर क्लास 10. इनमें आपको हर सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, हिंदी, सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस. एंड इनमें आपको 15 सैम्पल पेपर मिल जाते हैं, ईजी टू हार्ड लेवल के, मतलब हर लेवल के आपको सैम्पल पेपर मिल जाते हैं. इसमें आपको 5 years पेपर्स का एनालिसिस मिल जाता है, साथ में आपको इसमें मिल जाते हैं माइंड मैप्स. एंड जो इस साल के सैम्पल पेपर हैं उनसे मैच होकर सैम्पल पेपर बनाए जाते हैं. एंड साथ में आपको इसमें 2 CBSE सैम्पल पेपर मिल जाते हैं जो अभी लॉन्च हुए हैं. इनमें आपको 5 सैम्पल पेपर के हैंड रिटन सॉल्यूशन मिल जाते हैं एंड और सारे सैम्पल पेपर के आपको डिटेल आंसर मिल जाते हैं, साथ में मार्किंग स्कीम मिल जाती है एंड आपको इसमें क्विक रिवीजन वीडियो की फैसिलिटी भी मिल जाती है. तो यार अगर आप इन सैम्पल पेपर को बाय करना चाहते हैं तो आप अमेजन या फिर PW स्टोर से बाय कर सकते हैं. एंड मेरा कूपन कोड PST150 यूज़ करोगे तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा. तो गो चेक आउट एंड बाय इट. साइंस का चैप्टर भी हो चुका है कंप्लीट, मेटल एंड नॉन मेटल एनसीईआरटी रीड भी कर लिए हैं प्लस क्वेश्चंस भी कर लिए हैं. एंड इसमें मुझे लगभग 1 hour लगा है एंड मेरे 2 hour कंप्लीट हो चुके हैं. तो अब चलो अपना राइटिंग करेंगे. राइटिंग में मैं पत्र करने वाला हूँ, पत्र लेखन, और इंग्लिश में भी मैं लेटर राइटिंग करने वाला हूँ ताकि मेरी प्रैक्टिस हो जाए. तो चलो अब जल्दी से कर लेते हैं एंड मिलते हैं इसके बाद. करने में मुझे लगे 30 minutes एंड लगभग मैंने 2.5 hours स्टडी कर लिया है. तो अब बारी आती है ब्रेक लेने की, तो जल्दी से ब्रेक लेते हैं एंड चलते हैं छत पे.
इट। एंड अब बारी है अपनी चाय पीने की, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए एंड पढ़ने के लिए एनर्जी मिले। तो चलो जल्दी से चाय पीते हैं एंड उसके बाद में करेंगे हम कंप्यूटर की HTML की कोडिंग। तो चलो थोड़ी सी कोडिंग की प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो लेट्स गो। HTML प्रैक्टिस भी कर ली है एंड लगभग हाफ आवर लगा था एंड अब मेरे 3 hours कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब बारी रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ने की। रिवीजन ही कर रहा हूँ, तो NCERT रीड करनी है एंड कुछ NCERT क्वेश्चंस देखने हैं, तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। तो यार अपनी NCERT रीडिंग भी हो चुके है कंप्लीट एंड साथ में मैंने कुछ NCERT क्वेश्चंस भी करे थे, तो 40 मिनट्स लगे थे पूरे करने में एंड 3 hours 40 मिनट्स हो चुके हैं कंप्लीट। अब चलो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के फ्रॉम साइड बुक। तो चलो जल्दी से पढ़ लेते हैं। कंप्लीट हो चुका है अप्रॉक्सीमेटली 82 मिनट्स में एंड अपना अब 5 hours भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब चलो जल्दी से कुछ और भी कर लेते हैं एंड मेरी हालत ख़राब हो रही है, तो अब जल्दी से प्रोबेबिलिटी के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर लेते हैं फ्रॉम साइड बुक। तो चलो जल्दी से कर लेते हैं। प्रायोरिटी के क्वेश्चन करते करते 70 मिनट्स हो चुके हैं एंड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रह भी रहे हैं, लेकिन यार अब मैं इस चैलेंज को आगे फर्दर नहीं कर सकता एंड हमने 6 hours सेल्फ स्टडी कर ली है, क्योंकि गाइस यार मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। दिन में मैं स्कूल भी गया था एंड मैंने 8 hours स्टडी का चैलेंज भी लिया था फिर, तो अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है एंड लगभग 12 बजने वाले हैं। तो आज के इस चैलेंज में इतना ही था, आगे भी हम चैलेंज करेंगे एंड पक्का 8 hours से भी ज़्यादा की सेल्फ स्टडी करेंगे। आप भी मुझे बता देना कि आप कितने आर की सेल्फ स्टडी करते हो रोज़। मैं रोज़ तो वैसे कम करता हूँ एंड आज बस चैलेंज लिया था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।